हनुमान जी की गदा से आदरणीय गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। कारण अमित शाह की जनसभा। मुजफ्फरपुर के पताही में अमित शाह जनसभा को संबोधित करने मंच पर जैसे ही चढ़ते हैं, बिहार के बड़े बड़े नेता उनके स्वागत में लग जाते हैं। और एक वक्त वो भी आया जब अमित शाह को मंच पर गदा थमाया गया। अमित शाह ने कैसे गदा दिखाया, कैसे गदा उठाकर अभिवादन किया सबका, जरा ये तस्वीरें देखिए। पताही के मैदान से, मुजफ्फरपुर से बिहार में अमित शाह की बड़ी रैली, चुनावी शंखनाद से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और इस विराट सभा में जितने भी हमारे बिहार के भाई बहन आए हैं, आप सभी की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हनुमान जी की गदा से आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करते हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अब हम आग्रह करना चाहते हैं, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी से और बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता आदरणीय हरीश सहनी जी से कि आप आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत इस मंच पर करें। माननीय विजय सिन्हा जी, माननीय हरीश सहनी जी, मुजफ्फरपुर के सभी कोर कमेटी के सदस्य जो मंच पे हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप आकर के माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला अध्यक्ष जी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री, पूर्व मंत्री सहित मुजफ्फरपुर के सभी हमारे नेता बड़े माला से आप एक साथ मुजफ्फरपुर के सभी हमारे प्रमुख नेतागण, जिन्होंने दिन रात इस रैली की सफलता में अपना योगदान किया है, मखाना के माला से आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत होता हुआ जोरदार ताली बजा करके माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं NCCF के चेयरमैन श्री विशाल सिंह जी को, कोऑपरेटिव फेडरेशन बिहार के अध्यक्ष श्री विनय शाही जी से और पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष श्री रितेश कुमार जी से आप आए और आदरणीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करें। तो तस्वीरें देखिए आपने, काफी सरगर्मी है और अमित शाह का बार बार बिहार आना भी सियासत का कारण बना हुआ है। आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर यह सरगर्मी बढ़ी हुई है। और यही कारण है कि अमित शाह मुजफ्फरपुर के पताही मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और जनसभा को संबोधित करने से पहले अमित शाह का स्वागत कैसे हुआ, ये तस्वीरें आपने देखी हैं। इसके साथ ही अमित शाह का स्वागत कैसे गदा थमाकर कराया गया और अमित शाह भी बकायदा गदा को उठाकर संबोधन करते नजर आए, अभिवादन करते नजर आए। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के पताही से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अमित शाह पहुंचे। गृहमंत्री देश के, सहकारिता मंत्री भी हैं और फिलहाल चुनावी मोड में है, क्योंकि जनसभा को संबोधित करने के लिए मुजफ्फरपुर में जहां अमित शाह आए हैं वहां लोगों का हुजूम भी उमड़ा है। मंच पर बड़े बड़े नेता आपको बिहार के भी दिख रहे होंगे और इस दौरान तमाम ने जब संबोधन अपना शुरू किया, सभी ने कुछ ना कुछ बातें कही, लेकिन अमित शाह का स्वागत दमदार तरीके से हुआ, भव्य तरीके से हुआ और गदा देकर उनका अभिवादन किया गया, जिसके बाद अमित शाह ने क्या कुछ किया वो आपने देखा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।